दोस्तों, आज तक आपने माता के कई चमत्कारी मंदिरों के बारे में केवल सुना और पढ़ा होगा, परंतु आज जिस मंदिर के बारे में हम बताने वाले हैं वह अत्यंत अद्भुत है, क्योंकि इस मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु खासकर शाम की आरती का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। हालांकि सुबह के समय भी यहाँ अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है, परंतु शाम के समय यहाँ पर खासा भीड़ इस चमत्कार को देखने के लिए लग जाती है। दरअसल यहाँ शाम की आरती के समय बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। दो भालू का जोड़ा अपने बच्चों के साथ माता के इस मंदिर में पूजा करने के लिए आता है, है ना यह हैरानी वाली बात। यहाँ तक कि वे सिर्फ माता की आरती में ही सम्मिलित नहीं होते, बल्कि पंडित के द्वारा बांटे जा रहे प्रसाद पंडित के हाथों से खाते हैं। आज तक इन भालुओं ने यहाँ आने वाले किसी श्रद्धालु को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। ये तो बस माता के आरती के समय उनके दरबार आते हैं, उनके दरबार में अपना शीश नवाते हैं। इसके साथ ही ये भालू पुजारी के हाथों से प्रसाद भी खाते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है इस मंदिर का राज और आखिर क्यों आते हैं ये भालू माँ के मंदिर में। छत्तीसगढ़ का यह अनोखा मंदिर जहाँ हर रोज चमत्कार होता है और शाम की आरती के समय यहाँ पर अद्भुत चमत्कार दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों, यह मंदिर माता चंडी का है जो महासमुंद जिले के बागबहरा से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल के बीच स्थित है। खासकर नवरात्रियों के समय इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, और सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ हर दिन भालू का एक जोड़ा अपने बच्चों के साथ माता के दर्शन को आता है। दरअसल यह सुबह के समय भी आते हैं और शाम के समय भी, परंतु शाम के समय इसलिए क्योंकि अक्सर शाम के समय यहाँ भीड़ रहती है और ये भालू माँ की आरती के समय ही आते हैं। यहाँ के पंडित श्री नरेंद्र किरोला जी बताते हैं कि जैसे ही शाम के समय पूजा का आयोजन आरंभ कर दिया जाता है और मंदिर की घंटियां बजनी आरंभ कर दी जाती है, तो अचानक से पास के ही जंगल से दो भालू और उसके कुछ बच्चे यहां माता के दर्शन को आते हैं और बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए मां की आरती में शामिल भी होते हैं और हमारे द्वारा वितरित किए जाने वाले प्रसाद को खाते भी हैं। करीब 4 साल से यह नज़ारा वे पंडित हमेशा देखते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये भालू हो न हो माता के बहुत बड़े भक्त हैं, जो कि सुबह के समय जब मंदिर खुला नहीं होता तब भी आते हैं, और अक्सर पुजारियों ने मंदिर के जब भी वे गेट खोलने आते हैं सुबह पूजा के लिए, इन्हें मंदिर के बाहर ये भालू दिखते हैं। परंतु शाम के समय ठीक आरती के वक्त ये भालू ना जाने कैसे आ जाते हैं, इन्हें कैसे आरती का समय पता होता है, यह तो अपने आप में ही एक अद्भुत चमत्कार है। दोस्तों, आपका इन भालुओं के बारे में क्या कहना है? क्या ये सच में ही माता के भक्त हैं या फिर अपने पिछले जन्म में ये कोई बहुत बड़े साधु महात्मा रहे होंगे जो इन्हें इस जन्म में भी माता की भक्ति का ही धुन लगा हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर